दिस इज आर वर्मा सो बहुत दिनों से वीडियो okay, यार वीडियो वगैरह नहीं आई इट्स ओके यार एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे सो so, uh, अब ठीक है कॉन्स्टेंट रहना है वीडियोज वगैरह मैं अपलोड करता रहूंगा थिंग इज दैट की आई विल कम अपडियोज रिलेटेड टू कंप्यूटर विजन एंड मशीन लर्निंग एंड सून डीप लर्निंग टू एंड मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करूंगा वीडियोज का सो फिर मैं प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियोज लाऊंगा एंड कुछ भी डाउट रहता है इस प्लीज कमेंट इड डाउन कमेंट कर दिया करो मैं पक्का उस पर भी वीडियो बनाऊंगा तो ठीक है इस याली वीडियो एंड हाँ अगर अच्छी लगे तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एप ओके uh, सो okay. so, पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम लोग एक ड्राइवर ड्राउजनेस डिटेक्शन प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन ओपन सी वी एंड डीलिप तो इसमें मैं बताऊंगा कि डीलिप क्या होती है एंड बाकी उसकी यूटिलिटीज़ क्या होती हैं एंड बहुत छोटा प्रोजेक्ट था जानता हूँ मैं बहुत कॉमन सा है बट इसके बाद भी मैं थोड़े थोड़े धांसू से प्रोजेक्ट्स आएंगे तो फिर मज़ा आएगा उन्हें करने में सुडो uh, को सॉल्वर लाएंगे ऑगमेंटेड रियलिटी विद ओपन सी बी लाएंगे बहुत जल्दी बहुत जल्दी अब लाएंगे ठीक है तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना दबा के सब्सक्राइब मारना कंप्यूटर विज़न वगैरह के प्रोजेक्ट्स लाता रहूंगा मैं चलो फिर जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि फिर मींस uh, बनाने के जा रहे हैं हम लोग सो इट्स लाइक ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हम लोग बनाने जाएंगे अभी तो होप आपको दोनों चीजें दिख रही होंगी ये इधर वाला फ्रेम मैंने आपके लिए इसलिए रखा था कि ये रिजल्ट ऑफ डिटेक्टर है इसमें सारा जो भी की की पॉइंट्स वगैरह डिटेक्ट हो रहे थे वो सारा कुछ आपको दिखेगा ठीक है तो अभी आप लोग देख रहे हैं यार ये एक्यूरेसी इस डिटेक्टर की देखना ये डीलिप मैंने इसीलिए इस बार यूज करा है बिकॉज मैं ओपन सी से लास्ट वाली जो वीडियो थी अगर आपने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में देख लेना इस बार मैं डीलिप से इसलिए करना चाहता था क्योंकि इसमें यार एक्यूरेसी अच्छी आती है ठीक है अब 68 जो लैंडमार्क्स डिटेक्ट हो रहे हैं उसमें आपको ये यहाँ पर पूरा देख रहा है दिख रहा है फ्रेम में ये यहाँ पर जितने भी लैंडमार्क्स वगैरह डिटेक्ट हो रहे हैं तो ये सब एक मीन्स आगे चल के बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं सो so आप देख लो ये एक्टिव स्टेटस है मेरा ये हल्का सा ड्राउजी हो गया एंड वन आई क्लोज द आईज ये मेरा स्लीपी स्टेटस आ जाता है ठीक है अब इस प्रोजेक्ट को हम आगे बनाने जा रहे हैं सो फटाफट विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग अपना कोड बेस पे चलते हैं सो गाई इस पे जाने से पहले मैं बता दूँ डीलिप के बारे में सो so डीलिप एक लाइब्रेरी है उसमें पहले से मशीन लर्निंग के फंक्शंस इम्प्लीमेंटेड होते हैं दैट दैट कैन बी यूज बेसिकली फॉर इमेज प्रोसेसिंग वगैरह तो अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं सो so ये ये लाइब्रेरी जो ओरिजिनली सी में लिखी गई थी बट हम यहाँ पर इसका पाइथन रैपर पाइथन बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं सो so, हम लोग यहां पर चार चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज सी वी टू ओपन सीवी नंपाई एस एन पी डी लेब और आई एम यूटिल्स आई एम यूटिल्स किस लिए आगे मैं बता दूंगा यूज यार इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन वगैरह करा था मैंने सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम देख रहे हैं सिंपल सर कैप इज टू सीबी सीवी टू डॉट वीडियो कैप्चर अगर ये इन, इनका भी यूज नहीं जानते हो, तो फिर मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लेना बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो यहां पर मैंने क्या करा डिटेक्टर इज इक्वल टू डी गेट फ्रंटल फेस डिटेक्टर गेट फ्रंटल फेस डिटेक्टर एक इनबिल्ट फंक्शन है लाइब्रेरी का -lib का ये क्या करता है है कि जो भी मशीन लर्निंग बेस्ड फ्रंटल फेस डिटेक्टर वो हमें देता है ये जो डिटेक्टर है ये रेगुलर ओपन सीबी वाले हार हारकास्ट डिटेक्टर से बहुत ज्यादा एक्यूरेट है ओके तभी मैं यहां पर वही यूज कर रहा हूं वरना यूज करने को वो भी कर सकता था मैं तो इसे कोई फाइल का इनपुट नहीं चाहिए होता है ये फंक्शन अपने आप ही में ही कैपेबल होता है ठीक है नेक्स्ट इज प्रेडिक्टर सबसे मेन चीज है यहां पर

हेल्प ऑफ लैंडमार्क्स, फेशियल लैंडमार्क्स होते हैं जो ये चीजें कराते हैं ठीक है इस प्रोजेक्ट के बाद आई <coughs> बेट कि आप पक्का ऑगमेंटेड रियलिटी कर सकते हो उससे ठीक so, है जो मैंने मार्क करके रखे हैं सिंपल से वेरिएबल्स हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है अभी इतना परेशान होने की सो नाउ यह एक फंक्शन है कंप्यूट ओके गाइज दो पॉइंट मान लो कि एक पॉइंट मेरे यहां पर डिटेक्ट हुआ एक पॉइंट मेरे यहां पर डिटेक्ट हुआ अगर इसके बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहां पर यूक्लिडियन डिस्टेंस कंसिडरेशन में लेते हैं यूक्लिडियन e वाला ठीक है अब यहां पर नंपाई का एक लीनियर मॉड्यूल होता है उसमें हम उसके से ये आ, वो भी निकाल सकते हैं वरना आ, हम लोगों को अगर डिस्टेंस निकालना हो तो एक्स कॉर्डिनेट्स माइनस करना वाई कॉर्डिनेट्स माइनस करना दोनों के स्क्वायर करना और रूट कर देना दिस इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस ओके सो मैं इसलिए बता रहा रूंगा इसकी अगर कुछ इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले बीच में अब ये हमारा कंप्यूट क्या कर रहा है सिंपली दो पॉइंट्स के बीच का यूक्लिडियन डिस्टेंस दे रहा है ठीक है अब आता है ये फंक्शन ब्लिंग ब्लिंग फंक्शन क्या है कि देखो गाइस एक ये मेरी आई है एक आई में सिक्स पॉइंट्स डिटेक्ट होते हैं दैट इज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कहां कहां पर पॉइंट्स डिटेक्ट हुए हैं अब गाइज जो साइड के आईब्रो बिल्कुल साइड साइड वाले पॉइंट्स हैं ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस है और ऊपर ऊपर दो पॉइंट्स हैं ये हमारा शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस है ओके गाइज सो यहां पर हम लोग एक फॉर्मुला यूज कर रहे हैं दोनों शॉर्ट डिस्टेंसिस को हम प्लस कर रहे हैं एंड डिवाइडेड बाई टू इंटू द लॉन्ग डिस्टेंस ठीक है ये डिस्टेंस कौन सा है यूक्लिडियन डिस्टेंस दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मेथड कंप्यूट ओके सो यहां पर एक हमें रेशियो मिलता है इस रेशियो की मदद से हम ये बता सकते हैं कि आई क्लोज है ब्लिंक कर रही है या फिर नहीं कर रही है या फिर जो भी है ओके okay, गाइस तो बहुत सारी रिसर्चेज हुई एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंटली टेस्टिंग इट ये चीज निकाली गई थी कि 0.25 जो है वो बहुत ही मतलब डिटर्मिंड रेशियो है एक ओपन आई के लिए ठीक है 0.25 पॉइंट टू फाइव इज द रेशियो फॉर दिस क्वांटिटी इससे ऊपर जब भी ये रेशियो जाएगा मतलब आई हमेशा ओपन है ओके सो अभी आपको समझ में आ गया होगा ना कि मैं कैसे कैसे करके ये वर्क करा रहे हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना डीलिप किस लिए यूज करा गया है फेस डिटेक्टर लैंडमार्क डिटेक्टर ठीक है खत्म ओपन सीबी किस लिए यूज करा गया है हमारी बेसिक फ्रेम प्रोसेसिंग के लिए जितना भी हम लोग यहां पर कर रहे हैं हमें आता है तो फिर हमने ये यूज कर लिया वरना आप डीलिप के भी फंक्शन यूज कर सकते हो और साथ में हमने पाइथन बाइंडिंग करी है कोड को इजी बनाने के लिए ओके सो so यहां पर हमने तीन स्टेट्स लगा दिए हैं अगर 0.5 से ग्रेटर हुआ मतलब आई खुली है तो दो रिटर्न कर दिया 0.21 से 21 25 के बीच में तो वन रिटर्न कर दिया और जीरो है यानी आई क्लोज है तो गाइस ये तीनों जो चीजें हैं ये अपने आप लैपटॉप के रिजोल्यूशन और लाइटिंग कंडीशन वगैरह के हिसाब से देख लेना मुझे क्लोज ही आ रही है छोटी सी चीज है इजी हो, हो जाएगी ठीक है तो फिर नाउ फेस इज इक्वल टू डिटेक्टर ग्रे यहां पर मैंने क्या करा ये याला डिटेक्टर वो है फ्रंटल फेस डिटेक्टर ठीक है जो हमारा फेस डिटेक्टर यहां पर हमने या फंक्शन लिया था फ्रंटल फेस डिटेक्टर ठीक है तो यहां पर हमने फॉर फेस इन फेसेस अब फेसेस क्या है ये एक बार के इंस्टेंस के लिए बहुत सारे रेक्टेंगल जनरेट करता है तो हम हर एक रेक्टेंगल -एक के लिए एक लूप <coughs> बना देते हैं तो अब फॉर फेस इन फेसेस अब हमने वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए कि कहां पर हमारा फेस डिटेक्ट हो रहा है जो वो रेक्टेंगल बन रहा था ना आप देख रहे थे फेस के आसपास मैं फिर से दिखा देता हूं एक बार जो फेस के आसपास रेक्टेंगल बनेगा वो इसी की मदद से बनेगा फ्रंटल फेस डिटेक्टर से ये जो ये जो ग्रीन कलर का रेक्टेंगल है ना ये फ्रंटल फेस डिटेक्टर है और नीचे तो हल्के 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 नीले नीले पॉइंट्स दिख रहे हैं ये इसकी मदद से बन रहे हैं 68 लैंडमार्क डिटेक्टर से ऑलरेट गाइस सो अभी चलते हैं फिर से कोड पे यहां पर हमने फ्रेम कॉपी करा ये तो चलो मैंने एक्स्ट्रा फ्रेम बनाना तब मैंने कर लिया अब यहां पर आता है लैंडमार्क्स का डिटेक्शन यहां पर मैंने क्या करा प्रेडिक्टर को पास करा ग्रे वाला फेस और अपना फेस यानी आर वाई जो भी हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है ठीक है या हमने इसे पास कर दिया इसको पास करने के बाद हमें लैंडमार्क्स में रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को हमने शेप टू एनपी पी मीन्स नप्पा एर में उसे शेप कर लिया उसके बाद गाइज ये होता है कि जो हमारे पास डिटेक्टेड लैंडमार्क्स होते हैं ना उसका हर एक लैंडमार्क का एक नंबर होता है एक एरे सॉर्टेड होती है पूरी कि जैसे यहां से शुरू हुई ऐसे करके नंबर होता है तो दोनों आइज के लिए जो नंबर आते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोनों आइज के लिए जो नंबर आते हैं वो मैंने यहां पर मैंशन कर रखे हैं ठीक है ये मैं फोटो अटैच कर दूंगा सामने स्क्रीन पर लगा दूंगा तो आपको भी पता लग जाएगा कि ये वाले नंबर मैंने क्यों लिए हैं एक एक इंडेक्स कम कर दिया क्योंकि एरे है जीरो इंडेक्सिंग से शुरू होता है अब यहां पर मेरे को जज करना है कि आई ब्लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है कंडीशन ड्राउजी है या फिर स्लीपी है या फिर एक्टिव है ओके <coughs> सॉरी तो अब लेफ्ट ब्लिंक इज इक्वल टू जीरो राइट ब्लिंक इज इक्वल टू जीरो यहां पर मैंने क्या करा ब्लिंकड ब्लिंक जो हमने फंक्शन बनाया था यहां पर इसकी मदद से हमने छ के छ एक आई के जो भी पॉइंट्स हैं हमने उसे पास कर दिए अब इन पॉइंट्स के बेस पे मैंने आपको बताया था रेशियो कैलकुलेट होगा अगर वो रेशियो 0.25 से कम होगा तो फिर वो जो भी कंडीशन हमारी बनती है स्लीपी भी, भी हो सकता है ड्राउजी भी हो सकता है उससे ऊपर हुआ तो एक्टिव तो ये यहां पर जीरो वन टू वैसे ही रिटर्न करेगा अब ये जीरो वन टू जब रिटर्न करेगा तो उसके हिसाब से ये तीनों कंडीशन आप इतने तो यार माहिर हो ही, यार जज कर लेना कि ये क्या क्या हो रहा है यहां पर ठीक है जब और यहां पर मैंने ये ये चीजें ये छोटे छोटे कोड क्यों कर रखे हैं क्योंकि अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल बना दूंगा कि अगर कहते राइट फ्लिंग और लेफ्ट लिंग जीरो है तो फिर प्रिंट कर दो ड्राउजी ये अगर हुआ तो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लिकर करेगा मतलब की एक, एक स्लीपी एक फ्रेम में एक फ्रेम फ्रेम में में एक तो मैं ये नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि अगर मैं ऐसे देख रहा हूं अगर मैं ब्लिंक भी करता हूं तो इसे वो निग्लेक्ट कर दे इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि स्लीप को वन 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 बार एक बार बढ़ा रहा हूं मीन्स अगर मैंने ऐसे ब्लिंक करा है तो अगर मैंने एट फ्रेम्स तक आंख नीचे रखी है मतलब ऐसे करके रखा हुआ हूं तभी वो स्लीपी स्टेटस एक्टिव करे वरना ना करे ठीक तो ये ये जो भी कंडीशन जो भी स्टेटस वहां से आ रहा है वो मैंने पुट कर दिया है एंड जो भी कलर मेरे को चाहिए वो मैंने निकाल दिया है एंड ये क्या चीज है ये जो सिक्सटी लैंडमार्क्स आप देख रहे थे मैं आपको एक्चुअल में व्हाइट कलर का करके दिखा देता हूं सो so, ये लैंडमार्क्स अभी आपको दिख जाएंगे क्लियरली कि मैं किस चीज की बात कर रहा था यहां पर ये देख सकते हैं ना आप व्हाइट व्हाइट लैंडमार्क्स यहां पर देखो आंख के छह लैंडमार्क्स हैं इस आंख के छह लैंडमार्क्स है बाकी सब नोज है जॉ लाइन है मॉस्टेस लाइन है सारा कुछ है आईब्रोज भी हैं तो इस चीज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था राइट right? यहां पे आप एक्टिव स्टेटस देख रख सकते हैं अभी हल्का सा मैं आँख क्लोज कर लूंगा तो फिर स्लीपी स्टेटस आ जाएगा मैं हल्का सा आंखें हल्के सी ओपन रखूंगा ड्राउजी स्टेटस आ जाएगा तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट था ऑलरेडी गाइस right इसके बाद हम लोग जो प्रोजेक्ट लाने वाले हैं वो एक डीलिप पर होगा वो भी आई बेस्ड लॉकर होगा मींस आपको ब्लिंक से अनलॉक करना होगा कोई भी फाइल के एनक्रिप्टेड या डिक्रिप्टेड फॉर्म वो मैं सिखा दूंगा आपको साइफर एल्गोरिदम्स होती हैं तो साइफर से हम इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करेंगे यूजिंग आईज एंड इंटरेस्टिंग है ना एंड उसके बाद हम लोग ओपन सीवी से ऑगमेंटेड रियलिटी करने जा रहे हैं कि हम लोग एक बुक होगी उस उसपे डिटेक्ट करा के मीन्स हम लोग कुछ कोड नहीं करेंगे उस बुक को अपने आप डिटेक्ट करेगी एलगोरिदम एंड उसके ऊपर एक ताश का पत्ता अपने आप ऑगमेंट कर देगी सो so, ये भी हम लोग करने वाले हैं सो so, आगे आगे आते आ, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे गाइज जस्ट सब्सक्राइब करके रखना है एंड गाइज जो भी डाउट हो जस्ट कमेंटेड डाउन अगर आपको समझना है कि भाई ठीक है डीलिप का जो डिटेक्टर है वो वर्क कैसे कर रहा है मेरे को कमेंट में लिखो मैं पूरा समझाऊंगा कि हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडिएंट्स क्या होता है एसवीएम्स क्या होते हैं इन दोनों की वर्किंग से कैसे ये डिटेक्टर बना था ऑल द थिंग्स ओके गाइस सो कीप लविंग कीप वाचिंग एंड कीप स्प्रेडिंग थैंक यू गाइज